Hello everyone, welcome to the English class. I'm Neeta, your English teacher, and today we are going to do the first chapter of the second term, that is a chapter from unit 5, and the name of the chapter is The Yellow Butterfly. Okay, for second term has started and we are going to do the first chapter of the second term, The Yellow Butterfly. So what is the color of the butterfly? As you can see, the color of the butterfly is येलो बटरफ्लाई है ना. तो कैसी बटरफ्लाई है? येलो. अब हम देखते हैं कि स्टोरी है क्या एक्चुअली येलो बटरफ्लाई. येलो बटरफ्लाई इज अ स्टोरी अबाउट अ येलो कलर्ड बटरफ्लाई विच इज एडमायर्ड बाय अ किड इन द स्टोरी. तो येलो बटरफ्लाई एक ऐसे बच्चे की एक ऐसे बटरफ्लाई की कहानी है जिसको एक बच्चे को बहुत पसंद आती है. वो अपने गार्डन में येलो बटरफ्लाई देखता है तो उसे वो बहुत पसंद आती है. एंड द किड वॉन्ट्स टू कैप्चर द ब्यूटिफुल बटरफ्लाई. और वो जो किड है वो क्या करना चाहता है? वो कैप्चर करना चाहता है इस ब्यूटिफुल बटरफ्लाई को, ठीक है ना. बट एट द एंड, लेकिन बाद में हम क्या देखेंगे कि ही इज द वन हु सेव्स द बटरफ्लाई फ्रॉम बीइंग टेकन कैप्टिव. लेकिन वही, वो पहले क्या करना चाहता है? उसको पकड़ना चाहता है, लेकिन बाद में देखेंगे कि वही है जो उसको बचाता है, ठीक है. ये स्टोरी जो है ये ऐसे जाती है कि पहले तो वो खुद उसको पकड़ना चाहता था, लेकिन बाद में वो उसे बचाता है. वो उसे किस चीज से बचाता है ये हम देखते हैं अपनी स्टोरी में. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. A yellow butterfly flew around in the Sonu's garden. So whose garden? Sonu's garden. Where was the butterfly? It was in Sonu's garden. Okay, Sonu's garden. Sonu saw a butterfly. And what was the color of the butterfly? The color of the butterfly was yellow. Yellow butterfly thi, Sonu ke garden mein thi. Sonu saw the butterfly. He ran to catch it. And when Sonu saw the butterfly, what he did? He wanted to catch it. वो उसको catch करने के लिए भागा उसके पीछे. The butterfly flew to the rose bed. और butterfly क्या करती है? वो rose bed के पास चली जाती है. जो rose bed होता है, उसके पास चली जाती है. It sat on a red rose. और वो क्या करती है? एक red color के rose के फूल के ऊपर जाके बैठ जाती है. ये bed क्या होता है? Rose bed क्या हुआ? Rose के फूलों की क्यारियाँ, जो लाइन से रोज के फूल लगे हुए थे, उन क्यारियों में एक रोज के फ्लावर के ऊपर जाकर के वो बैठ जाती है. नाउ आई कैन कैच इट. तो वो कहता है कि अब मैं उसे, वो तो बैठी हुई है तो अब मैं उसे पकड़ लेता हूँ. सेड सोनू, ही वॉक्ड स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई. तो वो धीरे धीरे चुपके से जाता है बटरफ्लाई को कैच करने के लिए. ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर. और वो धीरे धीरे उसके नजदीक आता है. क्लोजर आना मतलब क्या होता है? नजदीक आना. नजदीक आता है, क्लोजर और भी नजदीक आता है, एंड स्टिल क्लोजर और अब बिल्कुल नजदीक आ जाता है. बट देन, लेकिन उसके बाद, उसके बाद क्या होगा? पकड़ लिया उसने. हाँ, देखते हैं. Off flew the butterfly. क्या हो जाता है? Butterfly तो उड़ जाती है. Off flew the butterfly, यानी butterfly उड़ जाती है. वो चुपके चुपके धीरे धीरे उसके नजदीक जाता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन butterfly क्या करती है? वो तो उड़ जाती है. Where did the butterfly go? और butterfly जाती कहाँ है? Near the garden was a pond. तो वो कहाँ जाती है? गार्डन था, पॉन्ड था. गार्डन जो है, जिसमें सोनू का गार्डन जो है, उसके बगल में ही एक पॉन्ड था, बड़ा सा तालाब था. तालाब, उसमें इन द पॉन्ड वॉज अ वाइट लोटस. और पॉन्ड के अंदर लोटस कैसा था? वाइट, वाइट लोटस. ओके, तो इन अ पॉन्ड वॉज वाइट लोटस एंड अराउंड इट ग्रू राउंड लीव्स. और उसके चारों तरफ क्या थे? राउंड लीव्स थे, ठीक है. यानी कि जो लोटस के पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं? गोल गोल होते हैं. तो वाइट कलर की लोटस थी और बड़ी बड़ी राउंड लीव्स थी उसके चारों तरफ. दे फ्लोटेड इन वाटर. और वो पत्ते और फूल क्या कर रहे थे? पानी में फ्लोट कर रहे थे, पानी में तैर रहे थे. बटरफ्लाई सेल्ड ऑन द फ्लोटिंग लीफ. और बटरफ्लाई ने क्या किया? वो उस लीफ के ऊपर बैठ गई, जैसे कि कोई नाव में बैठता है, और वो भी उस पत्ते के साथ सेल करने लगी.
सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर, और फिर सोनू क्या करता है, वो पॉन्ड में घुस जाता है, पानी के अंदर चला जाता है, छप छप। स्प्लैश का मतलब क्या होता है, जो हम छप छप करते हुए पानी में जाते हैं उसको बोलते हैं स्लप स्प्लैश। तो ही वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर एंड फिर एंड व्हाट एंड ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। और फिर जैसे ही वो बटरफ्लाई के पास पहुंचता है, उस लोटस के फूल के पास, वो लोटस फ्लावर के पास, वाइट लोटस का जो फ्लावर था उसके पास, वो जो राउंड लीफ पे बैठी हुई थी उसके, जैसे ही उसके पास पहुंचता है, ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई फिर क्या करती है, उड़ जाती है। ओके वेयर वॉज इट, सोनू लुक्ड अप ही लुक्ड डाउन। तो सोनू जो है अब उसको बटरफ्लाई दिखाई नहीं दे रही है, तो वो कभी ऊपर देखता है कभी नीचे देखता है। He looked up and he looked down. अप देखा और फिर डाउन देखा। Near the wall was a peach tree. और वॉल के पास क्या होता है, एक पीच का ट्री होता है। पीच, यू नो व्हाट इज अ पीच, पीच को हिंदी में क्या कहते हैं, पीच को हिंदी में कहते हैं चीकू। हाँ, तो एक चीकू का पेड़ था। चीकू एक येलो कलर का फ्लावर, सॉरी फ्रूट होता है, तो उसका पेड़ था। एंड इट हैड पिंक फ्लावर्स, और उसके फ्लावर्स कैसे थे, पिंक कलर के थे। जो फ्रूट होता है चीकू पीच, वो कैसा होता है, येलो कलर होता है, ब्राउनिश होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश येलो। और जो फ्लावर थे उसके, वो कैसे थे, पिंक कलर के थे। बटरफ्लाई सैट ऑन अ प्रिटी फ्लावर, और बटरफ्लाई क्या करती है, एक बहुत ही प्रिटी, एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रिटी से फ्लावर के ऊपर जाकर के बैठ जाती है, जो पीच ट्री का फ्लावर होता है उसके ऊपर जाके बैठ जाती है। आई कैन कैच यू, शाउटेड सोनू ही क्लाइम्ड। फिर वो कहता है कि आई कैन कैच यू, मैं तुम्हें पकड़ सकता हूँ। ठीक है, कैच मतलब होता है पकड़ना, तो बोल रहा है कि मैं पकड़ सकता हूँ। ही शाउटेड सोनू एंड ही क्लाइम्ड, और फिर वो क्या करता है, चढ़ जाता है। ठीक है, अप द ट्री, कहाँ, पेड़ के ऊपर। क्लाइम्ब का मतलब क्या होता है, चढ़ा। फिर वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया। ठीक है, अप द अप अप ही क्लाइम्ब, बट बैक इट फ्लू डाउन फ्रॉम द ट्री। तो वो क्या करता है, वो पेड़ के ऊपर 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 चढ़ता चला जाता है। और बटरफ्लाई क्या करती है, बटरफ्लाई नीचे 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 उड़ के आ जाती है। यानी कि सोनू जब ऊपर चढ़ गया तो बटरफ्लाई क्या करती है, नीचे आ जाती है। ठीक है, तो सोनू जंप्ड डाउन टू, सोनू भी नीचे आ जाता है। ठीक है, सोनू फिर नीचे आ जाता है। ही चेज द बटरफ्लाई, और फिर वो चेज करता है उसको। तो पहले कहाँ पे उसने चेज किया, रोजेस पे, रोज के पास, रोज बेड्स के पास जो बटरफ्लाई गई तो उसके पीछे वहाँ दौड़ा। फिर लोटस के फ्लावर के लीव्स के ऊपर जब वो फ्लोट कर रही थी तो फिर वहाँ दौड़ के गया। फिर उसके बाद पीच के ट्री के ऊपर गई तो वहाँ दौड़ के गया। बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, लेकिन वो कहीं भी उसे पकड़ नहीं पाया। तो ही चेज द बटरफ्लाई फ्रॉम द रोज to the lotus and up to the peach tree, but he could not catch the butterfly. लेकिन butterfly तो उससे भी बहुत ही तेज थी, और क्या कर रही थी वो, और भी ज़्यादा ज़्यादा उड़ उड़ के दूसरी जगह चली जा रही थी। ठीक है, जब भी वो पकड़ने की कोशिश करता था तो वो पकड़ नहीं पाता था। अब फिर butterfly कहीं गायब हो जाती है। सोनू could not see it at all. सोनू उसे बिल्कुल भी देख नहीं पाता है कि वो कहाँ पर चली जाती है। He looked everywhere. तो इसीलिए वो सब जगह देखता है, चारों तरफ, ऊपर नीचे आगे पीछे, अप एंड डाउन, डाउन एंड अप, सब जगह वो उसको ढूंढता है। At last he saw the butterfly. फिर उसको बटरफ्लाई जो है वो दिखती है। ठीक है, he saw the butterfly. There was a big spider's web. कहाँ? एक बड़ा सा स्पाइडर का वेब था। स्पाइडर यानी मकड़ी, तो मकड़ी का एक बड़ा सा जाला था। इन द पीच ट्री, कहाँ पे, पीच ट्री के ऊपर। जब वो ऊपर नीचे उड़ रही थी तो क्या देखा उसने कि एक बड़े से मकड़ी के जाले में द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब। उस बड़े से मकड़ी के जाले में बटरफ्लाई जो थी वो फंस गई थी। शी वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब।
It looked sad to escape. और बहुत ही दुखी मतलब बहुत ही दुख हो रहा था कि वो एस्केप नहीं कर पा रही थी, वो उसमें से स्पाइडर के वेब से निकल नहीं पा रही थी. वो बहुत कोशिश कर रही थी पर वो निकल नहीं पा रही थी. इट फ्लटर्ड इट्स विंग्स, इट ट्विस्टेड एंड इट ट्राइड एंड टर्न्ड. ठीक है, तो उसने अपने विंग्स को पूरा फरफराया, फ्लटर किया, ट्विस्ट किया, बहुत कोशिश की कि स्पाइडर के वेब से वो क्या करे, निकल जाए, लेकिन वो नहीं निकल पा रही थी. वो बिल्कुल भी क्या कर रही थी, नहीं निकल पा रही थी. ठीक है, बट इट कुड नॉट एस्केप, लेकिन वो बिल्कुल भी निकल नहीं पा रही थी. एस्केप का मतलब होता है किसी जगह अगर हम फंस गए हैं और वहां से हम निकल आते हैं सेफली, तो उसको बोलते हैं एस्केप. तो बटरफ्लाई जो है वो कहीं फंस, वो स्पाइडर्स के स्पाइडर वेब में फंस गई थी, लेकिन वो वहां से निकल नहीं पा रही थी. ओके, द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट. और वो जितना निकलने की कोशिश करती थी उतना ही स्पाइडर का जो वेब था, मकड़ी का जो जाला था, वो और भी टाइट हो जाता था. पुअर बटरफ्लाई, तो अब क्या बोल रहा है, पुअर बटरफ्लाई. ओके, बेचारी बटरफ्लाई. बटरफ्लाई कैसी, बेचारी. इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर. और उस वेब के बीच में, यहाँ देखो, ये देख रहे हो, यहाँ पे एक बड़ा सा स्पाइडर था. इन द मिडल ऑफ द वेब, जाले के बीच में एक बिग स्पाइडर था. बिग स्पाइडर, बड़ा सा स्पाइडर. एंड इट लुक्ड हंग्री. और वो कैसा दिख रहा था, भूखा, बहुत ही भूखा लग रहा था. तो भूख लगी है तो स्पाइडर क्या करेगा, हाँ, वो बटरफ्लाई को खाएगा. इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई. और वो क्या करने की कोशिश कर रहा था, बटरफ्लाई को पकड़ लेने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपनी भूख मिटा सके. क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल्ड द ब्लैक स्पाइडर. और धीरे धीरे जो है वो स्पाइडर जो कि मिडिल में था, जाले के मिडिल में था, बीच में था, वो उसके नजदीक नजदीक जो है वो आने की कोशिश कर रहा था. बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट. और इससे पहले कि वो हंग्री स्पाइडर, वो भूखा मकरा बटरफ्लाई को पकड़ लेता, सोनू रैन, सोनू जो है वो दौड़ा. एंड ही कॉट द बटरफ्लाई. और उसने क्या किया, बटरफ्लाई को ऐसे पकड़ लिया. ही कॉट द बटरफ्लाई. ओके, इट वॉज सो प्रिटी. तो अब सोनू जो है उसने बटरफ्लाई को आखिर पकड़ लिया, लेकिन उसने एक अच्छा काम किया कि बटरफ्लाई को उसने स्पाइडर से बचाया. अगर स्पाइडर ने बटरफ्लाई को पकड़ लिया होता तो क्या होता, वो उसे खा गया होता. लेकिन सोनू जो है वो तो बस उसको खेलना चाहता है, इसीलिए उसको पकड़ना चाह रहा था, है ना. तो उसने एक अच्छा काम किया. लेकिन अब देखो, इट वॉज सो प्रिटी. जब उसने देखा येलो बटरफ्लाई को, तो उसने देखा कि बहुत ही खूबसूरत है. इट वॉज वेरी प्रिटी. इट हैड ब्राउन स्पॉट्स. कैसे स्पॉट्स थे उसके बॉडी पर, ब्राउन स्पॉट्स थे ऑन इट्स येलो विंग्स. उसके येलो विंग्स के ऊपर ब्राउन स्पॉट्स थे. सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई. और सोनू को वो बटरफ्लाई जो है वो बहुत ही अच्छी लग रही थी. वो छोटी सी प्यारी सी बटरफ्लाई को वो उसे बहुत अच्छी लग रही थी. बट इट लुक्ड सैड इन सोनूज हैंड. लेकिन एक चीज सोनू ने ध्यान दिया, गौर किया कि बटरफ्लाई सुंदर तो बहुत लग रही थी, लेकिन सोनू के हाथ में आके वो खुश नहीं थी. जैसे कि वो बटरफ्लाई रोज के फ्लावर के ऊपर जब बैठी थी तो वो बहुत ही हैप्पी थी. जब वो लोटस के लीव्स के ऊपर फ्लोट कर रही थी तब भी वो बहुत हैप्पी थी. और जब वो पीच ट्री के पिंक फ्लावर के ऊपर बैठी थी तब भी वो बहुत हैप्पी थी. बट अभी सोनू के हैंड में, जैसे वो मकड़ी के जाले में सैड थी, वैसे ही सोनू के हैंड में भी सैड थी. और सोनू जो था वो चाहता था कि बटरफ्लाई जो है वो खुश रहे. ही वॉन्टेड, सोनू वॉन्टेड इट टू बी हैप्पी. तो क्या करेगा सोनू उसको हैप्पी करने के लिए, हाँ, यस. सोनू ने क्या किया, वो चाहता था कि वो खुश रहे. और उसने क्या किया, उसने कहा कि गो, जाओ एंड फ्लाई अवे. उसे पता है कि बटरफ्लाई जो है, जब उसके उसे हम छोड़ देंगे, उसे आज़ाद कर देंगे, तो बटरफ्लाई जो है वो बहुत ही खुश होगी. और वो उसने वही किया. उसने क्या किया, उसने कहा कि हाँ ठीक है, तुम जाओ,
ही लेट द बटरफ्लाई गो, और उसको वो बहुत पसंद थी लेकिन फिर भी उसने उसे जाने दिया. इट सैट ऑन द रेड रोज, और बटरफ्लाई जो है अब वो हैप्पी हो गई और वो जाकर के रेड रोज के ऊपर बैठ जाती है. ठीक है, इट फ्लू टू द पीच ट्री, और फिर वो पीच ट्री के ऊपर भी जाके बैठती है. एंड देन सेल्ड ऑन द लोटस लीफ, और फिर वो लोटस के लीफ के ऊपर जाकर के भी बैठ जाती है. ठीक है, इट फ्लू मेरिली फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, और खुशी से एकदम मेरिली वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर से दूसरे तीसरे फ्लावर, इस तरह से वो फ्लावर टू फ्लावर जो है वो घूम रही है और बहुत खुश है. सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई, और सोनू जो है वो उसे देख रहा था जब वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाती है, दूसरे से तीसरे फ्लावर पे जाती है, तो उसे बहुत अच्छा लग रहा था और वो उसे देख रहा था. द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड, और जो बटरफ्लाई है वो चारों तरफ जो है वो घूम रही थी. सोनूज गार्डन, किस कहाँ पे, सोनू के गार्डन में, हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, और एकदम हैप्पी थी, एकदम फ्री थी. एक बार फिर से वो हैप्पी हो गई थी और फ्री हो गई थी. और ये छोटी सी प्यारी सी कहानी किसने लिखी है, नीलिमा सिन्हा ने लिखी है. ठीक है, ये छोटी सी प्यारी सी कहानी जिसमें एक बटरफ्लाई है, एक बच्चा सोनू है जो कि बहुत ही अच्छा बच्चा है, ये किसने लिखी है, नीलिमा सिन्हा ने लिखी है. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि हमें इस कहानी से सीखते क्या है, हमने सीखा क्या इस कहानी में, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हमें कैसे चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए. जैसे कि सोनू ने देखा बटरफ्लाई में, येलो बटरफ्लाई जो थी वो कितनी सुंदर थी. ठीक है, इस कहानी में हमने ये भी देखा है कि रोज़ को भी बताया है कि रेड रोज़ जो है वो कितना प्रिटी होता है, येलो जब लोटस जो है वो पानी में फ्लोट करते हैं तो वो कितने अट्रैक्टिव दिखते हैं, है ना. तो यहाँ पे हमें सिखाया जा रहा है कि जो नेचुरल ब्यूटी है वो कितनी ही अप्रिशिएटेबल है और उसे हमें कभी भी अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो एक स्काई हो, चाहे कलर्स हो, चाहे वो इंसेक्ट हो. एक्सक्यूज मी, काइंडनेस, एंड वी मस्ट शो काइंडनेस टुवर्ड्स ऑल क्रिएचर्स, और हमें लोगों के टुवर्ड्स ही नहीं, चाहे वो छोटा सा इंसेक्ट ही क्यों ना हो, उसके लिए हमें काइंडनेस दिखानी चाहिए. ठीक है, उसके लिए हमें हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, दिल की में दया होनी चाहिए, जैसे कि सोनू के दिल में थी, और उसने उसी वो बिकॉज ऑफ हिज काइंडनेस ही वॉज एबल टू सेव द येलो बटरफ्लाई फ्रॉम द स्पाइडर. ओके, तो ये काइंडनेस जो है, तो दो चीज़ें हमें इस स्टोरी में सीखने को मिली, दैट अप्रिशिएट द ब्यूटिफुल थिंग्स, ब्यूटिफुल थिंग्स को अप्रिशिएट करें, एंड शो काइंडनेस टू द लिटिल क्रिएचर्स, और छोटे छोटे क्रिएचर्स के तरफ भी हमें क्या शो करना चाहिए, काइंडनेस शो करना चाहिए. और इसके अलावा हमने देखा कि स्टोरी में बहुत सारे पास्ट टेंस यूज हुए हैं और बहुत सारे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यूज हुए हैं. इन आवर ग्रामर लेसन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट आर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, तो तुम लोगों को पता है कि डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या होता है. अब हम देखेंगे एक एक जो लाइन है उसमें मैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स जो है वो बताऊंगी आप लोगों को. ओके, ओके, सो पहला है येलो बटरफ्लाई, जस्ट सी येलो बटरफ्लाई. सो व्हाट इज द कलर ऑफ द बटरफ्लाई, येलो. सो येलो इज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड, इट इज डिस्क्राइबिंग व्हाट इज द कलर ऑफ द, इट इज टेलिंग अबाउट द कलर ऑफ द बटरफ्लाई. तो येलो क्या है, येलो जो है वो क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है. क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड है. ठीक है, नाउ लेट्स सी द अदर डिस्क्राइबिंग वर्ड, एंड दैट इज रोज बेड. तो रोज बेड इज नॉट अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. व्हाइट लोटस, व्हाइट लोटस.
white lotus. Okay, so what is the color of the lotus? White. So लोटस का कलर कौन बता रहा है, किससे पता चल रहा है? व्हाइट से पता चल रहा है ना? तो व्हाइट इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. ओके, नाउ राउंड लीव्स. राउंड लीव्स, लीव्स कैसे हैं? राउंड, राउंड लीव्स. तो लीव्स का कैसा शेप है? राउंड शेप है. तो कैसे पता चल रहा है शेप लीव्स का? इस वर्ड से पता चल रहा है, राउंड. सो राउंड इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. ओके, नाउ पिंक फ्लावर. अगेन फ्लावर कैसा है? पिंक. तो पिंक फ्लावर, पिंक फ्लावर. ओके, पिंक फ्लावर. Then, poor butterfly. कैसी butterfly? Poor butterfly. Poor butterfly. कैसी butterfly? बेचारी butterfly. है ना? तो इसमें जो है poor क्या है? ये है क्या कहते हैं इसको? Describing word. Okay. We'll get back to this. Poor butterfly. Then black spider. Spider कैसा है? Black color का है ना? तो black spider में भी spider जो है वो क्या है? Black spider. Black is describing word. Then again hungry butter spider. Hungry spider. फिर कैसा spider है? Hungry spider. तो हंग्री स्पाइडर कहाँ लिख दे हम यहां लिख देते हैं इसको हंग्री स्पाइडर. तो ये बता रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि कैसा है स्पाइडर. हंग्री है तो हंग्री स्पाइडर, ब्लैक स्पाइडर, पुअर बटरफ्लाई, पिंक फ्लावर, राउंड लीव्स, व्हाइट लोटस, येलो बटरफ्लाई. दीज आर ऑल टेलिंग अस, डिस्क्राइबिंग द टाइप ऑफ फ्लावर्स, लोटस, स्पाइडर इज. सो दीज आर ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. Again, we will see some more describing words. Black spider. Then again, there is brown spots. Brown spots. So brown spots mein kya hai? Brown is the color of the spots. What is the color of the spots? Brown. So brown is describing the color of the spots. Okay. So wo bhi kya hai? Describing word hai. Okay. Now, little butterfly. कैसी बटरफ्लाई? लिटिल बटरफ्लाई. लिटिल बटरफ्लाई. तो लिटिल क्या है? लिटिल इज द डिस्क्राइबिंग वर्ड. ओके, नाउ रेड रोज. रेड रोज, वी हैव ऑलरेडी रिटन दिस. नो, रेड रोज. ओके, सो रेड रोज, रेड इज द टेलिंग अस द कलर ऑफ द rose. That then it is also a describing word. Again little butterfly ho gaya. Ha, so these are the describing words. Butterfly kaisi hai? Yellow hai. Butterfly kaisi hai? Little hai. To yellow batata hai kya ki butterfly ka color kaisa hai, aur little batata hai ki butterfly ka size kaisa hai. तो साइज और कलर इसको डिस्क्राइब कर रहा है. तो ये डिस्क्राइबिंग वर्ड है. व्हाइट लोटस टेल्स अस द कलर ऑफ द लोटस. Round leaves tells us the color, shape of the leaves. Pink flower, इससे क्या पता चल रहा है? The color of the flower. Poor butterfly, तो उससे पता चल रहा है कि butterfly की status क्या है, condition क्या है. फिर black spider, तो इससे भी पता चल रहा है कि color of the spider. Hungry spider, तो hungry spider से क्या पता चल रहा है कि कैसा status है, condition क्या है spider की, भूखा है. Red rose, कलर ऑफ द फ्लावर रोज. लिट एंड ब्राउन स्पॉट्स, तो स्पॉट्स के कलर. तो जो भी कलर, शेप, साइज है ना, और कंडीशन बताते हैं, ऐसे वर्ड्स को कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, जो कि बहुत सारे ही इस पूरे लेसन में यूज हुए हैं. ठीक है, तो प्लीज राइट इट डाउन
so that you will remember ki what are the describing words that are used in the lesson. Okay, now we will see the word meanings. इसके पहले वर्ड मीनिंग्स देखने के पहले हम एक बार समरी को फिर से देख लेते हैं. द यड्रा बटरफ्लाई इज अ स्टोरी अबाउट अ येलो कलर्ड बटरफ्लाई. तो येलो बटरफ्लाई जो है वो एक स्टोरी है किसके बारे में, येलो कलर के बटरफ्लाई के बारे में, विच इज एडमायर्ड बाई अ किड नेम्ड सोनू इन द स्टोरी. जो एक बच्चा सोनू के गार्डन में है और सोनू उसे बहुत एडमायर करता है, उसे बहुत पसंद आती है वो बटरफ्लाई. He wants to capture the beautiful butterfly, but he cannot. और वो उसे पकड़ना चाहता है लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाता है. लेकिन फिर वो देखता है, he sees that the butterfly was caught in the spider's web. फिर वो देखता है कि butterfly जो है वो एक spider के जाले में फंस गई है. And the butterfly is very sad due to captive. और फंसने के बाद butterfly बहुत ही sad हो गई है. Sonu catches the butterfly and at the end he lets the butterfly go to make him free. तो सोनू क्या करता है, उसे स्पाइडर के वेब से निकालता है, लेकिन जब वो देखता है कि निकालने के बाद भी वो हैप्पी नहीं है तो वो उसे उड़ने के लिए छोड़ देता है खुले आसमान में. ओके, तो ये है हमारे स्टोरी का समरी. नाउ वी विल डू द वर्ड मीनिंग्स. ओके, वर्ड मीनिंग्स में पहला क्या है वर्ड, फ्लोटेड. फ्लोटेड का मतलब क्या होता है, फ्लोटेड का मतलब होता है तैरना, स्वैम. जैसे कि जो लीव्स थी वो क्या कर रही थी, फ्लोट कर रही थी. जो लोटस की लीफ थी वो क्या कर रही थी, पानी में तैर रही थी, फ्लोट कर रही थी, स्वैम. पॉन्ड, पॉन्ड का मतलब होता है एक वाटर, स्मॉल वाटर बॉडी, यानी तालाब. एक गड्ढे में थोड़ा सा अगर पानी भर जाता है, उसमें कुछ डक्स होती हैं या फिर कुछ फिश आ जाती हैं या फिर कुछ वीड्स उसमें ग्रो कर जाते हैं, तो वो होता है पॉन्ड. उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है चेस्ड. चेस्ड मतलब होता है पीछा करना. जैसे इस लिसन में क्या कर रहा था, सोनू बटरफ्लाई को चेस कर रहा था, है ना, उसके पीछे दौड़ रहा था. तो किसी के पीछे दौड़ने को, रन आफ्टर को कहते हैं चेस्ड. उसके बाद क्लाइम. क्लाइम मतलब क्या होता है, चढ़ना. जैसे कि सोनू क्या कर रहा था, पीच ट्री के ऊपर चढ़ रहा था, है ना. तो ये हो गया टू क्लाइम, चढ़ना, गो अप. पीच, पीच क्या होता है, मैंने बताया है, मैंने बताया तुम लोगों को, चीकू. इसको हिंदी में बोलते हैं चीकू. अ स्वीट फ्रूट विथ येलो स्किन. जिसकी स्किन जो होती है वो कैसी होती है, येलो कलर की होती है. शाउटेड, शाउटेड का मतलब होता है चिल्लाना, क्राइड. एस्केप, एस्केप का मतलब होता है बचना, किसी जगह से बच के निकल आने को कहते हैं एस्केप, यानी रन अवे. हेल्ड, हेल्ड मतलब क्या, जकड़ लेना, पकड़ लेना, कॉट. ठीक है, हेल्ड मतलब क्या, कॉट. क्रॉल्ड, क्रॉल मतलब क्या, धीरे धीरे चल के जाना. जैसे कौन क्रॉल करता है, जैसे इंसेक्ट्स क्रॉल करते हैं, है ना, धीरे धीरे. स्पाइडर क्रॉल करता है. स्पाइडर कैसे चलता है, ऐसे 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 चलता है ना, इसको क्या कहते हैं, क्रॉल करना कहते हैं. ग्रैब, ग्रैब का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब होता है किसी भी चीज को ऐसे झपट के पकड़ लेना. हाँ, किसी भी चीज को अगर हम पकड़ लेते हैं झपट के तो उसको बोलते हैं ग्रैब. जैसे कि अगर बहुत सारी चॉकलेट्स रखी हैं, दूसरे की है और मैंने क्या किया, ग्रैब कर लिया, उसे ऐसे झपट के ले लिया, तो उसको बोलते हैं ग्रैब. मेरिली, मेरिली का मीनिंग होता है हैप्पीली. ओके, तो हैप्पीली. वॉच्ड, वॉच्ड मतलब क्या होता है, देखा, देखना. ठीक है, वॉच्ड का मतलब क्या होता है, देखना. ओके, तो ये वर्ड मीनिंग्स थे. नाउ वी विल सी द क्वेश्चन आंसर्स. ओके, सो वेयर डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई. सोनू ने पहले येलो बटरफ्लाई जो है वो कहाँ देखी, तो उसने अपने गार्डन में देखी. फर्स्ट सॉ द येलो बटरफ्लाई फ्लाइंग इन हिज गार्डन. उसने अपने गार्डन में देखी. ठीक है, हाँ, कहाँ पे देखी, अपने गार्डन में. नेम थ्री प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड. तीन प्लेसेस के नाम बताओ जहाँ पे बटरफ्लाई जो थी वो बैठी थी, आराम कर रही थी. तो सबसे पहले वो कहाँ जाके बैठी थी, रेड रोज के ऊपर. सबसे पहले वो रोज बेड्स में जाके रेड रोज के ऊपर बैठी थी. फिर वो जाके बैठती है लोटस लीफ पर, लोटस के लीफ में जाके बैठती है.
फिर वो जाके बैठती है पीच ट्री के ऊपर, पिंक फ्लावर के ऊपर, है ना, पिंक फ्लावर के ऊपर जाकर के बैठती है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज Why did Sonu chase the butterfly? Sonu जो है वो butterfly का पीछा क्यों कर रहा था? तो उसका answer होगा कि Sonu chased the butterfly to catch it. Sonu chase कर रहा था butterfly को because he wanted to catch it. पकड़ना चाहता था because it looked very beautiful. क्योंकि Sonu को butterfly जो है वो बहुत ही beautiful दिख रही थी, बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी इसीलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो. सोनू ने बटरफ्लाई को जाने क्यों दिया? सोनू लेट द बटरफ्लाई गो बिकॉज इट लुक्ड सैड इन हिज हैंड्स. तो उसने उसे इसलिए जाने दिया क्योंकि जब उसने उसे अपने हाथों में रखा था तो वो बहुत ही सैड दिख रही थी, उदास सी दिख रही थी, उसे अच्छा नहीं लग रहा था, उसे उड़ने का मन कर रहा था. As Sonu wanted to see it happy, it made it free. और सोनू उसे खुश देखना चाहता था इसीलिए उसने क्या किया, उसे फ्री कर दिया, उसे जाने दिया. Now let's see talk time के questions को देखते हैं. तो if you were a butterfly, how would you feel if you were caught? अगर तुम butterfly होते और तुम्हें किसी ने पकड़ लिया होता तो तुमको कैसा लगता? कैसा लगता? अच्छा लगता? नहीं. I would certainly feel very sad. हम बहुत ही सैड फील करते हैं, है ना. अगर हम हमें स्कूल में ही रखा जाता है और जब छुट्टी होती है तो हमें कितनी खुशी होती है ना. छुट्टी होती है तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होती है. तो वैसे ही बटरफ्लाई को भी, वैसे ही अगर मैं बटरफ्लाई होती तो मैं बहुत ही, अगर और मुझे किसी ने पकड़ लिया होता तो मुझे भी बहुत दुख होता और जैसे ही वो मुझे छोड़ता मैं बहुत खुशी से भाग जाती वहाँ से. Why did the butterfly go to the flowers in the garden? तो butterfly जो है वो flowers के पास क्यों जाती है? तो butterfly को flowers बहुत पसंद आते हैं. एक तो वो रंग बिरंगे होते हैं, है ना, अलग अलग colors के होते हैं. इसलिए butterfly went to the flowers in the garden. ये है question. ठीक है. The butterfly went to the flowers in the garden to take rest. तो वो rest करने के लिए गई थी and to suck the nectar from them. और नेक्टर सक करने के लिए गई थी. ठीक है. सक द नेक्टर फ्रॉम देम यानी जो नेक्टर होता है फूलों का, जो नेक्टर किसे बोलते हैं, जो फूलों का रस होता है ना उसको नेक्टर बोलते हैं. तो वो नेक्टर सक करने के लिए जाती है और वहां पे आराम करने के लिए भी जाती है. ठीक है. नाउ लेट्स राइट. These are four sentences. What we have to do? We have to see which sentence will come first. So, pehla sentence hai, finally I dress up and go to school. Finally I dress up and go to school. Next sentence hai, then I brush my teeth and have a bath. Uske baad, then I brush my teeth and have a bath. First of all, I get out of the bed. And the next and last sentence is after this I eat my breakfast. तो इसमें हमें rearrange करना है इन sentences को proper order में. तो सबसे पहला sentence क्या होगा? ये वाला. First of all, I get out of bed. Okay? उसके बाद क्या करते हैं? पहले bed से निकले. उसके बाद क्या किए? Then I brush my teeth and have bath. Okay? उसके बाद हमने brush किया, teeth brush किया और बात लिया. आफ्टर दिस आई ईट माई ब्रेकफास्ट. उसके बाद हम लेते हैं अपना ब्रेकफास्ट. एंड फाइनली, और फाइनली क्या करते हैं? आई ड्रेस अप एंड गो टू स्कूल. और फाइनली हम ड्रेस अप करते हैं और स्कूल के लिए निकलते हैं. सो दिस इज हाउ वी विल राइट. थर्ड वाला सेंटेंस विल बी फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ. नाउ लेट्स सी द वर्ड बिल्डिंग. वर्ड बिल्डिंग क्या है? मेक टू वर्ड्स फ्रॉम वन वर्ड. वन हैज बीन डन फॉर यू. तो कभी कभी क्या होता है, दो वर्ड्स को मिला करके एक वर्ड बना होता है. इसमें भी बहुत सारे इस लेसन में भी है, जैसे कि बटरफ्लाई. तो बटर, बटर का बटर मीन्स मक्खन और फ्लाई मीन्स उड़ना. लेकिन जब दोनों को मिला दिया तो क्या हो गया? तितली. तो ऐसे ही दो चीज़ों को मिला करके एक वर्ड जो बनता है उसको कंपाउंड वर्ड बोलते हैं. और यहाँ पे हमको क्या करना है, उनको अलग अलग करना है. तो जैसे एक किया हुआ है हमारे लिए बटर फ्राई,
फिर क्या है एवरी और वेयर, एवरीवेयर, तो इसमें एक वर्ड है एवरी और दूसरा वर्ड है वेयर, दूसरा वर्ड है वेयर। फिर एक यहाँ पे इनसाइड है, तो इनसाइड में एक वर्ड क्या है इन और दूसरा वर्ड क्या है साइड, इन और साइड, इन और साइड को मिला के क्या बन गया इनसाइड। देन आउट और क्या है साइड, तो ये क्या हो गया आउट साइड, आउटसाइड हो गया। देन नेक्स्ट वर्ड इज सनलाइट, तो सनलाइट में भी दो वर्ड्स है, एक है सन और दूसरा है लाइट, सन और लाइट, सनलाइट। ओके, सो विद दिस वी कंप्लीट द लेसन। आई होप यू एंजॉयड द लेसन ऑल ऑफ यू। हाँ, तुम लोगों को मजा आया पढ़ के येलो बटरफ्लाई, और क्या सीखा इस लेसन से, दैट वी शुड अप्रिशिएट द क्रिएचर्स दैट आर मेड फ्रॉम, दैट आर देयर इन द नेचर, नेचर के क्रिएचर्स को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन उनकी फ्रीडम को भी अप्रिशिएट करना चाहिए, और उन्हें क्या करना चाहिए पकड़ के नहीं रखना चाहिए, और उनके साथ दया दिखानी चाहिए। अगर वो किसी मुश्किल में है तो उनकी हेल्प कर देनी चाहिए, भले ही वो एक चींटी क्यों ना हो, भले ही वो एक इंसेक्ट क्यों ना हो, अगर आप देखो कि हाँ उन्हें प्रॉब्लम हो रही है तो उन्हें क्या करना चाहिए, हमें उनकी हेल्प करना चाहिए। ठीक है, सो आई होप माई ऑल माई स्टूडेंट्स विल फॉलो दिस, दे विल अप्रिशिएट द थिंग्स इन द नेचर एंड दे विल ऑल्सो शो देयर काइंडनेस टूवर्ड्स द क्रिएचर्स ऑफ द नेचर। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर एंड बी गुड।